गर्भावस्था एक ऐसा खूबसूरत समय होता है जिस दौरान आपकी गर्भाशय के अंदर एक नन्ही जान का विकास होता है। गर्भावस्था का समय लगभग 40 सप्ताह का होता है, जिसकी शुरुआत आपकी आखिरी माहवारी के पहले दिन से होता है। इन 40 सप्ताहों को 3 भागों यानी ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहली ट्राइमेस्टर लगभग 13 सप्ताह की होती है, जिसकी संपूर्ण यात्रा आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसमें पहले 2 हफ्तों के दौरान वास्तव में आप गर्भवती है ही नहीं। पहला हफ्ता जिसमें आपकी माहवारी के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से आपका शरीर गर्भावस्था के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरे सप्ताह के दौरान आप कंसीव करते हैं। इस प्रक्रिया में आपके गर्भाशय से एक एग रिलीज होता है, जिसे ओवल्यूशन कहा जाता है। दूसरे सप्ताह के अंत के आसपास माता पिता संतान की इच्छा से एक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जिसमें अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होता है और जिसे कहा जाता है गर्भाधान या कंसेप्शन। इस दौरान पिता के हजारों शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु माँ के फिलोपियन ट्यूब में अंडे से विलीन हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आमतौर पर इसी वक्त बच्चे के लिंग का निर्धारण होना, बालों का रंग, आँखों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताएं इसी मिलन पर तय हो जाती है और एक अंडे से एक नए मानव बनने की शुरुआत हो जाती है। इसी अंडाणु में प्राण आते हैं। तीसरे सप्ताह के दौरान वह फर्टिलाइज्ड एग 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट प्रक्रिया कहा जाती है। इसमें एम्ब्रियो के सेल्स अपने आप को 2 समूह में बांट लेते हैं। सेल्स का आंतरिक समूह से बच्चा बनता है और बाहरी समूह से उसको पोषण देने वाली, उसकी रक्षा करने वाली अवल नाल का निर्माण होता है। चौथे सप्ताह के दौरान ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें वह अपनी बाहरी परत से बाहर निकलता है और गर्भाशय में प्रवेश करता है, जिसे इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। सप्ताह 5 से 10 को एम्ब्रियो डेवलपमेंट के रूप में बताया जाता है, जिसमें संतान के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण होने लगता है, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, हृदय, और इसी दौरान दिल भी धड़कने लगता है। प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और गर्भनाल जीवन प्रदान करने लग जाती है। इस समय संतान को जीवन देने के लिए माँ के शरीर से सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन संतान तक पहुँचने लगती है। इसीलिए दूसरे महीने में माँ को विशेष सावधानी रख अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस समय ही हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी पतली पारदर्शी त्वचा के भीतर बनने लग जाती है और 10वें सप्ताह के अंत तक एम्ब्रियो अब बहुत कुछ मानव जैसा दिखने लग जाते हैं। 5वें हफ्ते से 10वें हफ्ते के समय को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। 10वें सप्ताह के अंत तक संतान की लंबाई करीबन 1.25 इंच हो जाती है और अब वह वैज्ञानिक भाषा में फीटस कहा जाता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान यानी 11वें से 13वें सप्ताह के भीतर उनके हाथों और पैरों के निर्माण, उंगलियों का निर्माण हो जाता है और वह धीरे धीरे हिलना डुलना भी शुरू कर देते हैं। बच्चे का चेहरा भी अब अच्छी तरह बन जाता है। आप जानते हैं, पहली तिमाही के अंत तक यानी 13 सप्ताह के अंत तक अब बच्चा लगभग 3 इंच लंबा हो चुका है और इस समय आपका शरीर भी कई बदलावों को अनुभव करता है। इसीलिए माँ को भी कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जी मचलाना, जिसे अक्सर मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है, पर वह दिन शाम किसी भी समय हो सकती है। इस समय आपको अपने स्तनों में भारीपन और सूजन महसूस हो सकती है। कब्ज की समस्या, वजन कम होना या वजन बढ़ना, कुछ खाद्य पदार्थों को बहुत ज़्यादा पसंद करना या कुछ को बिल्कुल ना पसंद करना, सामान्य से अधिक थकान महसूस होना, यह सब कुछ हो सकता है।
यह लक्षण बहुत सामान्य है और इसमें किसी भी गर्भवती को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपकी पहली तिमाही का अंत होता है। प्रार्थना है आप अपनी गर्भावस्था के हर पल को बहुत यादगार बनाएं, गर्भ संस्कार द्वारा संतान को संपूर्ण पोषण दें और आप सबकी गर्भावस्था बहुत मंगलमय हो। यही प्रार्थना और दुआ के साथ यह वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।